खार तुम लल्ला इज हियर। इट वाज वन ऑफ माय ड्रीम दैट केम ट्रू गाइस। आई एम चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है अगर आप देखोगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम ले वाले एपिसोड में एंटर कर ही चुके हैं। वो मेरे पीछे मेरा होटल है जहाँ पे मैं स्टे कर रहा था, इसका नाम है जनांग। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मेरे को लगी है, काफ़ी अच्छी वाइब्स हैं, होमली वाइब्स हैं और एनिमिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं होटल के साथ साथ। ब्रेकफास्ट के अंदर तो मुझे प्रॉब्लम इतना मज़ा नहीं आया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस प्रॉपर्टी प्लेस से, बट ठीक है। फिर अभी का प्लान ये है, मैं अरनी भैया के साथ गाड़ी में जाऊँगा और हम लोग चल रहे हैं नूबरा वैली। नूबरा वैली के लिए यहाँ से निकलना होगा ऑन टाइम, पर अभी तक मैं कोई भी उठा नहीं है यार। मैं नहा धो के तैयार बैठा हूँ, तो मैं वेट कर रहा हूँ कब कब ये लोग उठेंगे और कब हम चलेंगे। व्यू एक बार चेक करो कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बताओ यार प्लीज। कुछ तो मैसेज करे करो भाई, तुम तो वीडियो भी देखते हो बस, और सब्सक्राइब का बटन भी नहीं दबाते यार। मैं देखता हूँ अधिकतर लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो खैर यहाँ से चलते हैं अभी, बैग उठा के अन्नी भैया की गाड़ी में बैग रख के, इवन मैं उठा के, और फिर निकलते हैं नूबरा वैली के लिए। तो अभी तक का तो यही प्लान है। गाइस मैं अभी लौंडे लपाड़ों के साथ बैठा हुआ हूँ। ये मुझे जाकर भाई ने सिखाया है कि लौंडे हमें और लपाड़े यहाँ बैठे हुए हैं। यार ये लोग जाने को मान ही नहीं रहे हैं। मैं सुबह 8 बजे से तैयार बैठा हूँ। कब खून खोलेगा रे तेरा फैजल, कब खून खोलेगा तेरा खून। ये जो मैंने बातें बोली आपके लिए नहीं है, अभी तुम्हारी मेरी फ्रैंकनेस नहीं है इसलिए मैं आपको लपाड़े नहीं बोलूँगा। ये भाई हैं, इनका नाम नितिन भाई है और ये हैं प्रॉपर्टी डीलर भाई। कब खून खोलेगा तेरा फैजल। व्लॉग में खुजा रहे हो यार, क्या ये गाइस आधा घंटा हो गया है मैं इन लोगों से बोले जा रहा हूँ कब खून खोलेगा तेरा फैजल। बिल्कुल खोलेगा। चल ले भाई यार चल ले। बिल्कुल क्या प्लान है, कुछ है आज की डेट में प्लान? आज हम ले घूमेंगे भाई, आज हम जाएंगे शांति स्तूपा। प्लान क्या नाम है? स्तूपा। स्तूपा और थोड़ा एक वहाँ पर जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर और जो प्लेन खड़ा है वहाँ कुछ फोटोज खिंचवा कर आएंगे और करेंगे कुछ। हॉल ऑफ फेम गुरुद्वारा। ये भाई साहब को जगह के नाम तक नहीं पता है, लेह लद्दाख में क्या क्या है। कह रहे बस मैं आ गया हूँ और ये और कह रहा है मेरा आखिरी ट्रिप है आपकी बार। हो गया मेरा, मैं अब मैं बस ऑर्गेनाइजर बनूंगा हर बार। मैं अपना दिल्ली में बैला हूँ। दिल्ली में भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस है? तबियत ठीक हो गई पूरी? मस्त बिल्कुल। जंप वंप करके तैयार हो आप, ऐसे कूद सकते हो? सही है यार। बाकी गाड़ियाँ तीनों खड़ी हुई हैं, व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये यहाँ से कुछ ऐसा सीन है, ये लोग मेरी उम्र में ही आए थे। ये अब हम आ गए हैं इनोवा में। मस्त भाइयों के चेहरे पे स्माइल स्माइल दिख रही है। क्या कह रहे हो, किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं है? बहुत ही ज्यादा ठंड है भाई, बहुत ज्यादा ठंड। धीरे धीरे स्नोफॉल भी हो रही है, अगर आपको दिख रही हो मेरी वीडियो में, बहुत ही कम है पर बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, बिल्कुल मस्त वाला एक्सपीरियंस। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। गाइस वी आर फाइनली एट खारदुंगला ला, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट, सांस चढ़ रहा है बोला नहीं जा रहा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पासेस इन द वर्ल्ड। कसम से ये तो फीलिंग है ना यार, मैं आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगा। इट वाज वन ऑफ माय ड्रीम दैट केम ट्रू गाइस। आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर। और भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, ज़्यादा जैकेट वैकेट वाला सिस्टम तो है नहीं मेरे पास, पर जितना भी है वो ओके है। यहाँ से आपको ये वाला व्यू और नज़र में आएगा, देखो यहाँ लिखा है यू आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। भाई फीलिंग है यार, दिस इज फीलिंग, दिस इज अ ड्रीम दैट केम ट्रू। All the thanks to V-Speed Demon that we are here with them. Big hats off. Khardungla La is here. Guys, finally Khardungla La, आपने देखा Khardungla Pass पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है अगर आप देखोगे, बहुत ही ज़्यादा ठंडा एटमोसफेयर है यार।
सच बताऊं तो मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, ठंडी हवा में और दिक्कत हो सकती है। तो हम जा रहे हैं, अपनी गाड़ी के अंदर बैठेंगे, गर्म मैगी बनवाई और कॉफी बनवाई है, तो उसका इंतजार कर रहे हैं और फिर देखते हैं क्या खाएंगे पियेंगे भाई, पर दिक्कत हो रही है।